वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट जबरदस्ती खतरनाक सी इमरती बनाते हैं जिसको कुछ लोग जांगरी भी कहते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ उड़द दाल है जिसे माश की दाल भी कहा जाता है, जो कि कुछ ऐसी लगती है। उसको एक कप लिया हमने और रात में भिगो दिया। अगर आप चाहें तो 5-6 घंटे भी भिगो सकते हैं। तो बेसिकली इसका पानी मैंने अभी अभी स्ट्रेन किया है, और इतना नहीं पानी स्ट्रेन किया है कि छन्नी से छाना नहीं है। ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा पानी नज़र आएगा, जैसे कि रह जाता है। तो इतना डालेंगे अब हम अपनी मशीन में। आप ब्लेंडर ग्राइंडर जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। ये हो गया और अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। आपके ब्लेंडर में अगर ज़रूरत हो तो आप टेबल स्पून के आसपास पानी डाल सकते हैं। जितनी ज़रूरत होगी तो मैं भी डाल दूंगी, अदरवाइज चलेगा तो चला लेंगे। तो इस पॉइंट पर हम 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। जब आपको लगे ना, ये जैसे मेरा मशीन चल रहा है, लगातार चल रहा है रवानी के साथ, तब आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और ऑन एंड ऑफ लगातार चलाना है तकरीबन 7 मिनट के आसपास। मैं बताऊंगी कि वो फिर टेक्सचर कैसा लगता है, मुलायम सा होगा। अब हो गया ये, अब तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितना स्मूथ है, कितना स्मूथ है। आपको लगना चाहिए जब आप निकालें ना तो क्रीम जो होता है ना वैसा लगना चाहिए इसका कंसिस्टेंसी। ये देखें क्रीम के जैसी जब आप डन है। अदरवाइज़ आपको 1-8 टीस्पून जब भी लगे कि आपका मशीन गर्म हो रहा है तब पानी डाल के और इतना ही स्मूथ करना है। तो चले अब इसको निकाल लेते हैं। देखा कितना थिक एंड क्रीमी है, तो एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। ऑलमोस्ट ये हमस की कंसिस्टेंसी है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं वो बाद में बताते हैं, पहले चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक गहरा पैन है, उसका हम चूल्हा ऑन करते हैं, मीडियम हाई पे रखा है। इसमें अब हम डालेंगे 1.5 कप पानी। और यहाँ हमारे पास है शक्कर जो कि है 3 कप, ये डाल देंगे। चाशनी हमेशा थोड़ी ज़्यादा बनानी चाहिए ताकि इजी रहे बनाने में, डुबोने में, हर चीज़ में। और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून हमारे पास या इलायची का पाउडर है, ये डाल देंगे। इसको हिला लेते हैं। बस शक्कर घुल जाए जब तक हमें हिलाना है, क्योंकि अगर शक्कर घुल गई और फिर बॉयल आएगा तो उसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी रहेगी। देखिए ये ऑलमोस्ट हमारी शुगर जो है वो डिसॉल्व हो गई है। अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। अच्छा, अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप उसको हाथों से बड़े अच्छे से फेंट लें, क्योंकि इसे हमें लाइट करना है बिल्कुल, और या फिर आप चम्मच से फेंट लें, और हम जो है हैंड बीटर से करेंगे ताकि लाइफ आसान हो जाए। तो चलो इसको बीट करना शुरू करते हैं। हमें एकदम इसको फ्रॉथी और लाइट वेटेड कर देना है। तो अराउंड अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो 5 मिनट तो लगेंगे ही, और हमें इसमें लग जाएंगे 2-3 मिनट, और मैं बताऊंगी उसकी निशानी क्या है कि पता चल जाए कि भाई ये डन है।
चले अब शुगर को देख लेते हैं। ये देखें शुगर बड़ी अच्छी से डिसॉल्व हो गई है, मज़ेदार सी हो गई है और सिजल भी कर रही है। तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें कुछ कतरे नींबू के ताकि क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड किया जा सके। तो ये तकरीबन डाल दिया आधा टीस्पून के आसपास। और अब इसमें हम डालेंगे कलर। तो ये देखें हमारे पास यहाँ जर्दे का कलर है, तो ये डालते हैं क्वार्टर टीस्पून। और थोड़ा सा रेड कलर, बिल्कुल थोड़ा, 1/8 टीस्पून के आसपास। चले इसको हिला लेते हैं। तो बस अब हम चाशनी को पकाएंगे टोटल 2 मिनट, क्योंकि हमने आधा रखा है ना पानी और डबल रखी है शक्कर, तो इसको ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। तो चले अब आ जाते हैं हम फूड कलर लेके और अपने बैटर में भी डालेंगे कलर। 1/4 टीस्पून रेड कलर और 1/2 टीस्पून जर्दे का कलर है। और अब इस पे डालेंगे 1 टीस्पून पानी, कलर के ऊपर डालेंगे और उसको दोबारा मिला लेंगे। चले अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये हमारा इनफ सॉफ्ट और अच्छा हो गया है कि नहीं। तो वो उसका तरीका ये है कि देखें हमारे पास यहाँ एक प्याली है, इसमें पानी है, इसमें एक छोटा सा पोर्शन हम लेंगे और डालेंगे। अगर ये तैर गया तो हो गया है और अगर डूब गया तो थोड़ा और फेंटना बाकी है। तो ये देखें स्विमिंग कर रहा है, यानी ऊपर है बिल्कुल। अगर आपका डूब जाता है तो थोड़ा सा आप और फेंट लें, मेरा चूंकि तैर गया है तो डन हो गया है। तो चले अब हम चाशनी को देख लेते हैं। और ये चाशनी की थिकनेस देखें, तो ये जब लास्ट बूंद बहुत स्लो टपकेगा ना तो ये समझे रेडी हो गई है। तब इसको हम बंद कर देंगे चूल्हे को और इसको हम निकालेंगे। तो ये देखें मेरे पास छोटी छोटी ज़िपलॉक बैग है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी ज़िपलॉक बैग लेने से क्या होता है, कन्वीनियंट रहता है बनाना। अगर आपने मेरी जलेबियाँ नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, उसमें मैंने बैग में भी बनाई है और बॉटल में भी बनाई है। तो ये जो है ना बैटर जो है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, तो मेरे हिसाब से बॉटल में नहीं बनेगा, या तो वो जो जलेबियों का कपड़ा होता है ना उसमें बनेगा या फिर बैग में बनेगा। तो किसी भी किस्म की बैग ली जा सकती है, ज़रूरी नहीं है ज़िपलॉक बैग हो, प्लास्टिक की कोई भी थैली ली जा सकती है। तो चले अब मैं इसमें बैटर भरती हूँ। तो अब इसमें डाल देंगे, ये देखिए कितना थिक है, तो बस इस तरह से डाल देंगे। इसी तरह 2 और भर लेंगे, 2-3 जितनी भी गुंजाइश होगी। हमारी 3rd बैग भी हो गई। और यहां देखें मेरे पास एक बड़ा सा पैन है और जिसमें 1 इंच के आसपास मैंने तेल डाला है। अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, हाफ एंड हाफ भी ले सकते हैं। तो बहरहाल ये मैंने रखा है, इसके लिए फैला हुआ बर्तन ज़रूरी है। और इसका मैं चूल्हा ऑन करती हूँ। हम रखते हैं मीडियम पे और तेल के गर्म होने पे मिलते हैं। देखें यहाँ हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है, हल्की हल्की हीट आ रही है। मैं बताती हूँ, अगर स्क्यूबर डालेंगे तो इस तरह से बबल आएंगे, ना बहुत स्लो आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा फास्ट आ रहे हैं। और ऑयल जो है रेडी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ ज़िपलॉक बैग में यहाँ साइड से एक बारीक सा काटेंगे, छोटा सा काटेंगे, छोटा सा इतना, और इसको बनाना शुरू करेंगे। पहले तो हम 2 सर्कल करेंगे। ये 2 सर्कल करने के बाद हम ये इसके स्कॉलप बनाना शुरू करेंगे। और स्कॉलप जो है वो ऑलमोस्ट हमारे 20 होना ज़रूरी है, 19 हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ये इमरती की पहचान है। तो देखिए इसी तरह 1 सर्कल करेंगे, फिर 2रा सर्कल करेंगे और फिर स्कॉलप बनाना शुरू करेंगे इस तरह से।
और अगर आपको लगता है कि ये आपके पास है और आपको बनाने में डिस्टर्ब हो रहा है, इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दें और इसी तरह सर्कल करेंगे एक, फिर दूसरा सर्कल करेंगे और यहीं से शुरू कर देंगे बनाना, है ना फन। बस ऑयल जो है उसका टेम्परेचर सही होना ज़रूरी है, इतना ना हो कि भाई वो आप बना ही ना सके, हल्का सा शांत हो ताकि आप बना भी सके, हाथ भी ना जले और फिर वो क्रिस्पी भी हो सके। तो चले कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये जो पहली डाली थी ना, वो ये सब जो है ये क्रिस्पी जब आपको लगे कि हो गई है, तब इसे आपको चाशनी में डालना है। अब इसको थोड़ा सा हम डुबो देंगे, एक डेढ़ मिनट के लिए डुबोएंगे। पता है, इससे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी याद आ रही है। शहजादा सलीम जो है ना, जब छोटे थे ना, जिन्हें जहांगीर बादशाह भी कहा जाता है, तो उन्हें बड़ा दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने का। तो उन्होंने अपने शेफ से कहा कि मुझे कुछ मीठा खाना है, लेकिन वो नहीं जो रोज़ खाया जाता है, खीर लड्डू ये सब कुछ। तो अब शेफ जो है वो सर जोड़ के बैठ गए कि भाई क्या बनाना चाहिए जो इनको पसंद आए। तो उन्होंने उड़द दाल वगैरह पीसी, क्योंकि जलेबियाँ भी कॉमन थी मार्केट में, तो उन्होंने उड़द दाल से इमरतियाँ बनाई। अब उनको उस वक्त अच्छी लगी कि नहीं लगी, हमारे यहाँ तो इतनी पॉपुलर हुई कि दुनिया ने तो बनाई भी और खाई भी। देखिए क्रिस्पी, करारी, जूसी जूसी। मेन इमरतियों की स्टोरी क्या है पता है? क्रिस्पी होना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्पी होगी तब चाशनी में जाके भी वो निकल के भी क्रिस्पी ही रहेगी, जूसी एंड क्रिस्पी। तब आपको, जैसे मैंने बताया ना, ऑयल का टेम्परेचर वो बड़ा अच्छा सा मेंटेन करना है। उसके बाद ना मैंने स्लो किया है ना फास्ट किया है, जैसे बताया वही। अच्छा, अक्सर लोगों ने कहा है जब जलेबी मैंने बनाई थी ना कि हमारी सॉफ्ट हो जाती है, हमारी सॉफ्ट हो जाती है, तो वो मेरे हिसाब से तो दो चीज़ें हैं। एक तो या तो क्रिस्पी नहीं हो रही है सही तरह से तेल में या घी में, या अगर हो रही है तो वो चाशनी में बहुत देर तक डिप हो गई है, क्योंकि वो गुलाब जामुन तो है नहीं कि पूरा सोक कर देना है। इसमें इतना फास्ट अंदर जूस आ जाता है कि हमें डेढ़ मिनट में उसको निकाल लेनी है। क्रिस्पी अच्छी से करें और एक डेढ़ मिनट तक डुबोएं चाशनी में, लाइफ ब्यूटिफुल। और गुलाब जामुनों के लिए लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि जब चाशनी का चूल्हा आपका खुला था कि नहीं था। तो चाशनी का चूल्हा अभी भी नहीं खुला है, उस वक्त भी नहीं खुला था, लेकिन आपको लगे ना कि आप बहुत स्लो है स्पीड आपकी, आते आते थोड़ी देर लग रही है, चाशनी जो है बहुत ठंडी हो गई है या थोड़ा वक्फा आ गया है बनाने में, तब आप उसको नीम गर्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत गर्म नहीं रखनी है वरना सौगी हो जाएगी। तो बस डालते के साथ डुबो दे। चले, ये हमारी लास्ट भी जारी है, तो चूल्हे को करते हैं बंद। चले तो डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें कैसे झटपट हमारी इमरतियाँ बन गई, या कह लें जांगरी। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है।
देखा आपने किस कदर क्रिस्पी है और अंदर से इतनी ही जूसी है। ऐसी चीज़ें छोड़ने का दिल नहीं चाहता है क्योंकि इतनी फ्रेश, तो मार्केट से भी ज़्यादा फ्रेश है ये तो। और अगर आप लोग को थोड़ी सी हिम्मत या मोटी पसंद हो तो बैग को हल्का सा ज़्यादा काट लीजिएगा। बाकी क्या खतरनाक है। और सुना है इसके साथ दूध बड़ा अच्छा लगता है, मैं पीती नहीं हूँ लेकिन ये ग्लास मुझसे कह रहा है हेलो गॉर्जियस। मैंने कहा चलो पी लेती हूँ, इतना पटा रहा है तो। ठंडा ठंडा दूध और इमरतियाँ, मज़े की लग रही है, ख़तरनाक। बनाना बनता है तो जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।